हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी चैनल। और आज आपके लिए लेके आए हैं बेसिक मैथ सीरीज का एक और टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट। और अगर आप भी उनमें से एक स्टूडेंट हैं जिसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, तो मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैथ्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने बेसिक्स से बना है, और जिसके बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे उसका मैथ्स उतना ही अच्छा होगा। इसलिए लेके आए हैं आपके लिए एक बेसिक मैथ्स की सीरीज, जिसको अगर आप फॉलो कर गए और इस वीडियोस को पूरा देख लिया आपने, तो आपका मैथ्स के बेसिक सच में इम्प्रूव होने वाले हैं। क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को, आज भी उनको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 8 के बाद आपके पास हमेशा पूछा जाएगा जब जब आप मैथ्स पढ़ोगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और क्लियर करना अपने बेसिक्स ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें हम सीखेंगे बड़े बड़े रूट्स को छोटा कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक बेसिक मैथ्स की सीरीज का पार्ट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बनाया बिल्कुल बेसिक से, एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, जैसा कि मैं एक रिक्शे वाले भैया को पढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरी बात हर बच्चे को समझ में आए और जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है उनका मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाए। तो शुरुआत करना चाहूंगा बिल्कुल बेसिक बात से, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कुछ बातें जो काम आएंगी आज के कॉन्सेप्ट में। तो पहली बात जो आपको याद दिलाना चाहता हूं वो ये है कि 3 की पावर 3 का क्या मतलब होता है। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 gets multiplied 3 times which is equal to 27। ऐसे ही 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 gets multiplied 2 times which is equal to 4। अब हम समझते हैं दूसरी बात, और यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2 के ऊपर 3, तो आपके सामने है 2 powers, एक पावर है अंदर एक पावर है बाहर। जब जब 2 power आपके सामने आती हैं, तो अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। यस, तो 2 की पावर 2 into 3 6। ऐसे ही यहां पर अंदर पावर है 2 और बाहर है 1/2, तो घबराने वाली क्या बात है। हमें बेसिक्स पता है कि अंदर की पावर 2 और बाहर की पावर 1/2 आपस में क्या होगी, कैंसल, और 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। ये 2 कैंसल क्यों हुआ, क्योंकि 2 ऊपर न्यूमरेटर में है, यहाँ 1/2, ये 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 और 2 कैंसल हो सकते हैं। ऐसे ही 4 की पावर 1/2, अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2, और यहां पर अगर आप देखो तो अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, और 2 से 2 क्या हुआ, कैंसल, और 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब मैं वो करने जा रहा हूं जो आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं 1/2 को रिप्लेस करूंगा उसके एक सिंबल से। जैसा कि आप सब जानते हो, ये M मैकडोनल्ड्स का सिंबल है। आप सब ने इस रेस्टोरेंट में कभी ना कभी बर्गर खाया है, या फिर इसके बोर्ड्स और होर्डिंग्स हाईवेज पे जरूर देखे हैं। ऐसे ही SOM सिंबल है स्कूल ऑफ मैथ्स का, और ये सिंबल तो हर लड़के को पता है, क्योंकि हर लड़के की ड्रीम होती है इस गाड़ी को खरीदना, और ये सिंबल है ऑडी का। ऐसे ही मैथ्स की दुनिया में भी 1/2 का एक सिंबल है, और 1/2 का सिंबल है ये, और इसको हम कहते हैं रूट। अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने रूट, तो अब मैं उस 1/2 को हटाऊंगा और उस 1/2 की जगह उसका सिंबल लगाऊंगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट। तो यहां पर अब मैं 4 के ऊपर 1/2 हटा रहा हूं और उसका सिंबल लगा रहा हूं रूट, और हम जानेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है। ये सबको पता है, मगर आज हम जानेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैसे होता है। तो आओ देखते हैं, इस 4 के ऊपर से रूट हटा तो आप सबको पता है रूट जब हटेगा तो पावर क्या आएगी, 1/2, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और बाहर 1/2, और अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, जैसा कि आपको अभी पता चला, और 2 से 2 हुआ कैंसल, ये आ गया 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आज आपने ये नहीं सीखा रूट 4 2 होता है, आज आपने सीखा रूट 4 2
कैसे होता है? तो अगर रूट फोर टू होता है तो फिर रूट नाइन क्या होगा? आपने कहा सर ये बड़ा आसान है, नाइन के ऊपर रूट हटेगा, वन बाय टू आएगा, और वन बाय टू आ गया, नाइन को लिखेंगे थ्री की पावर टू, के बाहर वन बाय टू, और अंदर का टू और बाहर का वन बाय टू आपस में होगा मल्टीप्लाई, टू से टू होगा कैंसल, थ्री की पावर वन विच इज इक्वल टू थ्री, तो रूट नाइन क्या हुआ? थ्री। ऐसे ही अगर रूट फोर टू है, रूट नाइन थ्री है, तो क्या आप बता सकते हो रूट सिक्सटीन क्या होगा? यस, मन में सोचो, ये सारे स्टेप्स आपको मन में सोचने हैं, ये सारे स्टेप्स अब आपको मन में सोचने हैं, आप फास्ट हो चुके हो। 16 के ऊपर आया 1 by 2 और 16 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर और अंदर का 2 और बाहर का 1 by 2 मल्टीप्लाई हुए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 4। ऐसे ही हम जानते हैं आज ये सारे रूट्स, रूट 4 2 है, रूट 9 3 है, रूट 16 4 है, रूट 25 5 होगा, रूट 36 6 होगा, रूट 49 7 होगा। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि रूट 36 6 कैसे होगा, ये प्रोसेस आप समझ चुके हो। इसलिए इस वीडियो को इतना बारीक से बनाया गया है कि आपको छोटी से छोटी बात में भी डाउट ना रह जाए। तो आगे वीडियो और अच्छी है जिसमें हम सीखेंगे बड़े बड़े रूट्स को छोटा कैसे करना है, तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक। अभी हम सीख रहे हैं कि इन रूट्स की वैल्यू क्या होती है और ये सारे रूट्स ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, रूट 144 के बाद रूट 169 ऐसे ही आगे चलता रहेगा, और इन सब को मैंने माना है अपने गुड फ्रेंड्स। एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करूंगा आज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट्स। आज से आपके जो अच्छे दोस्त हैं वो तो थे ही, और कुछ नए अच्छे दोस्त मैथ्स की दुनिया के बने हैं, और वो है रूट फोर। तो घर जाके बोल देना मम्मी आज मैंने नए दोस्त बनाए हैं, और उन नए दोस्तों का नाम है रूट फोर, रूट नाइन, रूट सिक्सटीन, रूट 25, रूट 36। तो आओ गुड फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमने इनको गुड फ्रेंड्स क्यों माना। देखो, आप स्कूल में होमवर्क करके नहीं गए और आपका जो पीरियड था वो ब्रेक के बाद था, तो आपने क्या किया, आपने ब्रेक में फटाफट एक अपने दोस्त से कॉपी मांगी और होमवर्क नोट कर लिया। अब जो वो कॉपी आपने मांगी वो किससे मांगी? वो आप किसी से भी मांग लोगे? नहीं, कोई तो नहीं देगा आपको। आप किससे मांगोगे? जो आपका अच्छा दोस्त होगा। तो अच्छे दोस्त वो होते हैं, गुड फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारे मुसीबत में हमारे काम आते हैं, इसीलिए हमने इनको गुड फ्रेंड्स माना है। ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं, और कुछ लोगों को हमने बैड फ्रेंड्स माना है। जैसे कि अभी आपको समझाता हूं मैं कि अगर रूट फोर टू है तो रूट टू क्या होगा। आपने कहा सर रूट टू, टू के ऊपर वन बाय टू। अब दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर टू आ जाए, तो रूट टू विल रिमेन एज रूट टू, रूट टू रूट टू ही रहता है, रूट थ्री ही रहता है, रूट फाइव ही रहता है, रूट सिक्स ही रहता है, रूट सेवन ही रहता है, और रूट एट। आओ जल्दी से सीखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, रूट एट को छोटा कैसे करेंगे, हाउ टू सिंप्लीफाई रूट एट होगा हमारा पहला क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो क्योंकि रूट टू है, रूट थ्री है, रूट फाइव है, रूट सिक्स है, इसलिए हमने इन सारे रूट्स को माना अपना बैड फ्रेंड, क्योंकि ये हमारे काम बिल्कुल नहीं आने वाले। आप कभी अपने बैड फ्रेंड से होमवर्क नहीं मांगोगे, क्योंकि आपको पता है वो आपको होमवर्क नहीं दिखाने वाला, आपकी हेल्प नहीं करने वाला। तो ये रूट्स हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाले, इसलिए हमने इसको माना है बैड फ्रेंड्स। ये मेरा एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है चीज़ों को समझाने का। आओ जल्दी से शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और सीखते हैं इन गुड फ्रेंड्स और बैड फ्रेंड्स की मदद से हम बड़े बड़े रूट्स को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे सामने है हमारा पहला क्वेश्चन, रूट एट, रूट एट को छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है। जब भी रूट्स को सिंप्लीफाई करना है, आप मेरे एक मेथड को जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ उसको अगर अपना लोगे, आप बड़े बड़े रूट्स को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। जब भी हमने रूट्स को छोटा करना है, हमेशा याद करना है अपने गुड फ्रेंड्स को। और हमारा पहला गुड फ्रेंड कौन है, आप जरा देखते हैं। पहला गुड फ्रेंड है 4, दूसरा 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। जब भी हम रूट्स को छोटा करेंगे, सबसे पहले गुड फ्रेंड को बुलाएंगे। तो सबसे पहला गुड फ्रेंड कौन है, 4। क्या 4 इंटू कुछ 8 होता है? आपने कहा सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल होता है। तो आपने रूट 8 को लिख दिया 4 इंटू 2। लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने पहले गुड फ्रेंड को बुलाया और गुड फ्रेंड को यूज किया 8 को लिखने में 4×2 लिखा। अब आपको पता है रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने सीखी रूट 4 की वैल्यू होती है 2, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, अरे रूट 2 तो रूट 2 ही रहता है क्योंकि वो हमारा क्या है, बैड फ्रेंड। तो रूट 4 की जगह मैंने लिखा 2 और रूट 2 विल रिमेन रूट 2 क्योंकि रूट 2 क्या है, हमारा बैड फ्रेंड, और यही है हमारा आंसर। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करोगे तो अभी आप थोड़ी देर में बिल्कुल सीख जाओगे। जल्दी से देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, रूट 18। अब रूट 18 छोटा करना है, गुड फ्रेंड को बुलाओ भाई, पहला गुड फ्रेंड कौन है, 4। क्या 4 इंटू कुछ होता है 18? क्या 4 की टेबल में 18 आता है? नहीं आता। सर आपने तो कहा था गुड फ्रेंड काम आएंगे, ये तो काम नहीं आए। कोई बात नहीं, दूसरे गुड फ्रेंड के पास जाओ, आपके पास तो बहुत सारे गुड फ्रेंड्स हैं। तो पहला गुड फ्रेंड काम नहीं आया तो क्या हो गया, ऐसा हो सकता है ना आपका गुड फ्रेंड वो भी होमवर्क करके ना आया हो, तो आप दोनों मिलके अब तीसरे गुड फ्रेंड के पास जाओगे। तो जल्दी से दूसरे गुड फ्रेंड के पास चलते हैं, और दूसरा गुड फ्रेंड कौन है, 9। क्या 9 इंटू कुछ होता है 18? क्या 9 की टेबल में 18 आता है? आता है। हम 18 को लिख सकते हैं 9×2, और आप सबको पता है रूट 9 होता है 3 और रूट 2 रूट 2 ही होता है क्योंकि रूट 2 हमारा है बैड फ्रेंड। रूट 50, पहला गुड फ्रेंड 4 की टेबल में 50 आता है? नहीं आता, 48 आता है, 52 आता है। आपने कहा सर दूसरा गुड फ्रेंड 9 की टेबल में नहीं आता। तीसरा गुड फ्रेंड 16। देखो आपने सीरीज में ही चलना है, आपने रैंडमली नहीं सोचना। आपने पहला गुड फ्रेंड को बुलाया काम नहीं आया काटा, अगला गुड फ्रेंड बुलाया काम नहीं आया काटा, तीसरा गुड फ्रेंड बुलाया 16×, नहीं होता 50, 16 की टेबल में भी 50 नहीं आता। कितना आसान है सोचना, 16×1=16, 16×2=32, +16, 16×3=48, नहीं आया ना 50, तो 25। जब भी आखिरी में 0 आए, जब भी आखिरी में 0 आए या आखिरी में 5 आए, सबसे पहले 25 को याद कर लो। तो क्या 25 इंटू कुछ होता है? यस, 25×2, और रूट 25 इज 5 और रूट 2 इज रूट 2 क्योंकि अभी हमने सीखा रूट 2 टू रिमेन्स एज रूट 2, रूट 2 रूट 2 ही रहता है। रूट 24, अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, हाँ सर मजा आ रहा है सर, अब तो मजा आने लग गया। तो रूट 24 क्या होगा, सबसे पहला गुड फ्रेंड 4 की डबल में 24 आता है, 4×6, तो हमने इसको लिखा 4×6, और रूट 4 क्या होता है 2, और रूट 6 क्या होता है, रूट 6 ही होता है, ये आपका आंसर आ गया। जल्दी से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, रूट 12, जल्दी से देखते हैं रूट 12 क्या होगा। रूट 12 होगा पहला गुड फ्रेंड 4, हाँ 4×3 4×3, और रूट 4 क्या होता है, रूट 4 तो 2 होता है, और रूट 3 क्या होता है, रूट 3 ही रहता है। और रूट 27, आपने कहा सर रूट 27 पहला गुड फ्रेंड 4 नहीं आता, कोई बात नहीं आगे चलो, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे चलो, 4 की टेबल में 27 नहीं आता, 9 की टेबल में आता है, आता है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 9×3, और रूट 9 होता है 3, और रूट 3 ही रहता है क्योंकि वो हमारा बैड फ्रेंड है। रूट 28, पहला गुड फ्रेंड 4×7, यस 4×7, और रूट 4 होता है 2, और रूट 7 ही रहता है, ये हमारा आंसर आ गया। रूट 75 आ गया आखिरी में, सीधा 25 से सोचो, 25×3, और रूट 25 5, और रूट 3 ही रहता है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जिससे आपको समझ में आया होगा कि रूट सिंप्लीफाई कैसे हो रहे हैं। अब दो स्पेशल क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके पेपर्स में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे बहुत जगह, अगर आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या कोई भी ग्रेजुएशन में आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो रूट्स एक ऐसा पार्ट है जो आपको हर जगह किसी ना किसी चैप्टर में मिल जाएगा। तो आओ जल्दी से देखते हैं अगले दो क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, इनको मैं स्पेशल क्वेश्चन बोलता हूँ, ये ज़रूर टीचर पूछता है आपसे। अब आपने कहा सर रूट 32, आपने लिख दिया 4×8, 4 की टेबल में आता है, पहला गुड फ्रेंड कहाँ आ गया, और रूट 4 2, रूट 8, आपने इसको आंसर लिख दिया, आप गलत हो गए। आप क्यों गलत हुए, क्योंकि अभी आपने आधा ही क्वेश्चन सही किया है, अभी आप आगे रूट 8 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। रूट 8 को फिर क्या लिख सकते हो, 4×2। अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि अभी
हमने 4 into 8 लिखा, 2 root 8 आ गया, root 8 तो आगे भी सॉल्व हो सकता है। तो root 8 आगे सॉल्व करने के लिए फिर गुड फ्रेंड को बुलाया, और पहला गुड फ्रेंड क्या था, 4, और 4 into 2, 8, तो ये 2 बाहर रहेगा, और root 4 का 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, और root 2, root 2 रहेगा, तो आंसर क्या आया, 4 root 2, मगर इसका एक और तरीका है। देखो, कई बार आपके दो गुड फ्रेंड्स काम आ जाते हैं एक रूट को सिंपलीफाई करने में, जैसे कि रूट 32, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका पहला गुड फ्रेंड है 4 जिसका आंसर होता है 2, दूसरा है 9 जिसका आंसर होता है 3, तीसरा है रूट 16 जो होता है 4। तो आपने कहा सर रूट 16 भी तो काम आ सकता है। यस, यही बताना चाहता था मैं आपको कि आप इसको 32 को 16 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, 16 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये आंसर भी सही है, मगर इससे आपका आंसर दो स्टेप में आ जाएगा, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स लगे। रूट 16 होता है 4, रूट 2 होता है रूट 2, आंसर आ गया। तो ये भी एक बात है जो आपको याद रखनी है, क्या किसी रूट को छोटा करने में दो गुड फ्रेंड्स काम आ सकते हैं? अगर दो गुड फ्रेंड्स काम आ सकते हैं तो बड़े गुड फ्रेंड को बुलाओ, आपका काम जल्दी होगा, आपका काम आसान तरीके से होगा, जल्दी होगा। तो आपने कहा सर अगला क्वेश्चन 48, मैंने कहा एक रास्ता, पहला रास्ता सीख लो 4 into 12, सारे बच्चों के मन में आता है 4 into 12 सर, तो 4 हुआ 2 और रूट 12, अब रूट 12 को आगे फिर छोटा करो, रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 into 3, और 2 बाहर, रूट 4 का फिर 2 बाहर और रूट 3, तो आंसर कितना आ गया, 4 root 3, ये आपका आंसर आ गया। मगर इसको आप दूसरे तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हो, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो 16 into 3। तो ये आपको दिमाग में सोचना है, क्या कोई और गुड फ्रेंड काम तो नहीं आ रहा? अगर बड़ा गुड फ्रेंड काम आ रहा है तो उसको बुला लो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया 4 root 3, ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं, आओ जरा देखते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन। रूट 200, अब 4 को मत बुलाओ, आपको पता है रूट 100 मतलब इस 200 को आप ये भी तो लिख सकते हो 100 into 2, क्योंकि रूट 100 क्या होता है 10, और रूट टू ही रहता है, आंसर आ गया। रूट 72, 4 को मत बुलाओ, बुला सकते हो आप 4 को भी, फिर आपको थोड़े स्टेप्स आपके ज्यादा हो जाएंगे और कुछ नहीं है, आपका आंसर टीचर गलत नहीं कहेगा। मगर 72 के लिए आप सीधा 36 को बुलाओ, 36 into 2, और रूट 36 होता है 6, रूट 2 होता है रूट 2, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप रूट 98 को देखो, रूट 98 को आप क्या लिख सकते हो, 49 into 2, जो कि हो गया 7 root 2, रूट 49 इज 7, रूट 2 इज रूट 2, आंसर आ गया। तो देखो आपकी जो गुड फ्रेंड्स की लिस्ट है, ये आपकी गुड फ्रेंड्स की लिस्ट है, 36 6 49 7 64 8 81 9, है ना बेटा? तो कहने का मतलब गुड फ्रेंड्स की लिस्ट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और वो याद करने की जरूरत नहीं है, तो कितनी सिंपल सी बात है, रूट 42 है, ऐसे ही रूट 93, रूट 16 4, रूट 25 5, रूट 36 6, रूट 49 7, तो आपको पता भी चल गया है कि ये रूट्स कैसे सॉल्व होते हैं, मतलब रूट 42 कैसे होता है, ये भी आपको पता चल चुका है। तो जैसे कि रूट 162 आ गया, हमने कहा रूट 162 कैसे ढूंढे, तो गुड फ्रेंड्स की लिस्ट में आगे बढ़ो, ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, जैसे कि 81 into 2, और ये आ गया 9 root 2, क्योंकि रूट 81 होता है 9, root 2 ही रहता है, बैड फ्रेंड है हमारा। रूट 147 का आंसर जल्दी से कमेंट करो, ताकि मैं मान लूं आपको सिंपलीफिकेशन ऑफ रूट्स आ गया है, और आप रेडी हो नेक्स्ट वीडियो बेसिक मैथ सीरीज की। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, इस प्लेलिस्ट को जरूर पूरा देखना, आपके मैथ्स के बेसिक्स बिल्कुल इंप्रूव होंगे, और आपका मैथ्स में इंटरेस्ट जागेगा, और आप मैथ्स से जो हेट करते थे वो कन्वर्ट होगा प्यार में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।